हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्रेसर के साथ जो क्लच रिले लगती है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं। जबकि इसके साथ हम कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे करते हैं और मेन जो पावर सप्लाई होती है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं इस वीडियो में, इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा टर्मिनल कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, इस वीडियो के एंड में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख के जान सकते हैं कैसे हम मल्टीमीटर के थ्रू और डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताऊंगा इस रिले के बारे में। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्रच रिले है। इसका क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी रिले है। इस पर हमारे पास 5 पॉइंट हैं। जैसे कि आप मोस्ट लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, ये हमारे पास टॉप पर जो है 10 नंबर है, और उसके बाद आप नीचे हमारे पास देख सकते हैं राइट साइड पे 11 नंबर है। ये 11 है, 12 है, एंड 13 है, एंड 14 है। ये हमारे पास नंबरिंग होती है। इसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं, हम जो हमारा 10 नंबर है लेफ्ट साइड पे टॉप पे, इसको हम फेस देते हैं, जबकि यहाँ पे 11 पर हम कैपेसिटर की एक प्रोब को कनेक्ट करते हैं, जबकि 13 पे एक प्रोब को कनेक्ट करते हैं, एंड 12 जो है हमारा रनिंग के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि 14 पर हम न्यूट्रल दे देते हैं। इसके पीछे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। नीचे वाला जो होता है वो हमारा कॉमन के साथ कनेक्टेड होता है, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, एक रनिंग वाइंडिंग के साथ। ये हम एज इट इज़ ऐसे ही लगा देते हैं। ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये हम ऐसे इसको सेम एज इट इज़ इसमें फिक्स कर देते हैं कंप्रेसर में, ऐसे फिक्स कर देते हैं इसको, इस रिले को। और अभी आप देख सकेंगे हम यहाँ पे फेस देंगे तो हमारा फेस इस कॉइल के थ्रू पास होता हुआ इसकी रनिंग वाइंडिंग में जाएगा। यहाँ पे हम कॉमन टर्मिनल पे न्यूट्रल दे देते हैं, जबकि यहाँ पे हम कैपेसिटर की 2 प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। इसका क्या काम होता है, इनिशियली स्टेज पर जो है ये हमारा जो कंप्रेसर है इसका टॉर्क 0 होता है, सॉरी इसका इनर्शिया यानी कि इसकी स्पीड 0 होती है। इसको ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इसके साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, इसके साथ 2 प्रोब्स होती हैं। वो 2 प्रोब्स को हम इधर 11 एंड 13 पे लगाते हैं, और जबकि न्यूट्रल को हम 14 पे देते हैं और 10 पे हम फेस देते हैं। तो फेस हमारा यहाँ से इन होता है, इस कॉइल से पास होता है और रनिंग वाइंडिंग में चला जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट चली जाती है, और यहाँ से कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। इस कॉइल का क्या पर्पस होता है, इनिशियली स्टेज पर ये कैपेसिटर को कनेक्ट करती है। जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्टअप हो जाता है तो इसके अंदर मौजूद जो मूविंग पार्ट होते हैं उसको पुल करता है, और ये हमारा टर्मिनल जो है डिसकनेक्ट हो जाता है। तो अभी आपको इसके कनेक्शन करके बताता हूँ मैं, कैसे हम इसको वायर करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को और पावर सप्लाई को। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने इसके कनेक्शन कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फेस वायर को कनेक्ट किया, रेड कलर का इसमें फेस आ रहा है। इस कॉइल से पास हो के थ्रू हमारी रनिंग वाइंडिंग से साथ कनेक्टेड हो गया है, जबकि न्यूट्रल हमने कॉमन पॉइंट पर डायरेक्ट दे दी है, और स्टार्टिंग पे हमने कैपेसिटर की एक प्रोब को कनेक्ट किया, जबकि ऊपर हमने जो दूसरी प्रॉप को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि हमारी स्विचिंग इस रिले के थ्रू ये पॉइंट हमारा स्विच होता है। इनिशियली स्टेज पे ये कनेक्टेड होता है, बाद में डिसकनेक्ट हो जाता है। इसके आप कनेक्शन देख सकते हैं, फेस हमारा पास हो गया इस कॉइल के थ्रू, देन हमारी रनिंग वाइंडिंग की तरफ जाएगा, कॉमन पॉइंट पर हमने न्यूट्रल दी हुई है, और इसके साथ हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाऊँगा, और इस कैपेसिटर को कभी भी डायरेक्टली टच ना करिएगा जैसे आप इसको पावर सप्लाई देते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है। इसको टच करने से पहले इसकी दोनों प्रोब्स को शॉर्ट करके डिस्चार्ज करें, तब हाथ लगाएं, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। जी व्यूअर्स, अभी मैंने इसको पावर सप्लाई दे दी, आप कैपेसिटर का कनेक्शन और मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन देख सकते हैं। अभी हमारा ये कंप्रेसर जो है रनिंग में है। इस तरह ये काम करता है हमारा कंप्रेसर, इसके कनेक्शन करते हैं। अगर आप किसी और तीसरी 3 फेस मोटर के बारे में जानना चाहते हैं, उसके हम कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये देख सकते हैं हमारी डिस्चार्ज लाइन है, इसको हम होल्ड करके इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं आया कि हमारा कंप्रेसर ठीक है या ख़राब है। और ये हमारी दो सेक्शन लाइन होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। हमारी सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये सक कर रहा है, ये देख सकते हैं, जबकि ये हमारा डिस्चार्ज है। यहाँ से हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो आउट होता है। और अगर आप इसके साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे रेफ्रिजरेंट का साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इस तरह की तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।